हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन एंड रैपर मुनावर फारूकी की लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में और जानेंगे इनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातों को जिनको शायद आप नहीं जानते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। अगर आप मुनावर फारूकी के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। इनका फुल नेम है मुनावर इकबाल फारूकी और प्रोफेशन से स्टैंड अप कॉमेडियन एंड रैपर हैं। इनका जन्म 28 जनवरी 1992 को जूनागढ़ गुजरात इंडिया में हुआ था और 2023 के हिसाब से आज इनकी एज 31 ईयर हो चुकी है और इनका होम टाउन डोंगरी मुंबई महाराष्ट्र है। अब इनकी फिजिकल स्टेटस के बारे में देख लेते हैं तो इनकी हाइट लगभग 5'9" है। इनका आई कलर ब्लैक और हेयर कलर डार्क ब्राउन है और ये नेशनलिटी से इंडियन है और रिलीजन से इस्लाम है। अब इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं तो मुनावर ने अपने स्कूल की पढ़ाई जूनागढ़ गुजरात से ही की और आगे की पढ़ाई मुंबई से की। मुनावर का जन्म जूनागढ़ गुजरात में हुआ था और 2002 में गुजरात में सांप्रदायिक दंगों के दौरान उनके घर को नष्ट कर दिया गया था। इसके बाद उनकी फैमिली मुंबई चली गई थी और मुनावर जब 16 साल के थे तो उनकी मां का निधन हो गया था। 17 साल की उम्र में जब उनके पिता बीमार पड़ गए तो उन्हें अपने परिवार के लिए काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब इनके करियर के बारे में देख लेते हैं तो अपने शुरुआती करियर में एक ग्राफिक डिजाइनर के रूप में काम किया और 2017 में जब विभिन्न OTT प्लेटफॉर्म भारत में शुरू हो रहे थे तब उन्हें कॉमेडी के बारे में पता चला और उन्होंने एक कॉमेडियन के रूप में काम करना शुरू किया और अप्रैल 2020 में उन्होंने अपने चैनल मुनावर फारूकी पर दाऊद यमराज और औरत के नाम से एक स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो अपलोड की जिसमें उन्हें शुरुआती स्टारडम अर्जित किया। उन्होंने अगस्त 2020 में एक भारतीय संगीतकार स्पेक्टा के साथ मिलकर अपना पहला सॉन्ग जवाब रिलीज किया और उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे सॉन्ग दिए जिनके नाम हैं नागपाड़ा का राइडर, ख्वाहिश, उसके बाद कलांडी, खामोशी, कामिल, हल्की सी बरसात। तो हमको कमेंट करके बताना कि इनका कौन सा सॉन्ग आपको बहुत पसंद है। 28 फरवरी 2021 में उन्होंने अपने YouTube चैनल पर गोस्ट स्टोरी नाम का एक स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो अपलोड किया और मुनावर काफ़ी स्टैंड अप कॉमेडी शोज भी कर चुके हैं और 2022 में वो कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप सीजन 1 का भी हिस्सा थे जिसमें ये 8 मई 2022 को विनर बने। और हम आपको बता दें मुनावर काफ़ी कंट्रोवर्सी का भी हिस्सा रह चुके हैं। इनको 1 जनवरी 2021 को में अरेस्ट किया था मध्य प्रदेश पुलिस ने। इन पर हिंदू सेंटिमेंट को हर्ट करने का इंजाम था और ये एलिगेशन लगाया था एकलव्य सिंह गौर जो कि BJP MLA मालनी गौड़ के बेटे थे। आप इनके अवार्ड के बारे में देख लेते हैं तो इनको कॉमिक कॉन 4.0 बाई पिज़्ज़ा ब्रस्ट अवार्ड दिया गया साल 2018 में। साथ ही साथ ये विनर भी बने ओपन माइक सिनर्जी फेस्ट के। अब इनकी फैमिली से मिल लेते हैं तो इनके फादर और मदर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं और इनके 3 सिस्टर भी हैं जिनमें से एक का नाम है सवाना और ये इनका फैमिली फ़ोटो था। ये इनकी वाइफ और इनके साथ साथ इनका एक बेटा भी था। अब इनका डिवोर्स हो चुका है। इनकी गर्लफ्रेंड का नाम नज़ीला है। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं कि ये रहते कहाँ पर हैं। तो अभी ये फ़िलहाल मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में डोंगरी में रहते हैं। अब इनके कार कलेक्शन देख लेते हैं तो इनके पास कार है होंडा की i20 और इनके पास एक बाइक भी है KTM RCM 200। अब इनकी इनकम एंड सैलरी के बारे में देख लेते हैं तो ये 100 का लगभग 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं। साथ ही साथ इनको लॉकअप में 50,000 रुपये पर एपिसोड मिल रहा था। अब इनकी नेटवर्क देख लेते हैं तो मुनावर की टोटल नेटवर्क लगभग 1 करोड़ रुपये है। तो ये थी मुनावर फारूकी की लाइफस्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।